एट क्लास लास्ट क्लास में हम ब्रिटिश रूल कैसे इंडिया में आया उसको स्टार्ट किए थे चैप्टर को, अब उसका आएगा पार्ट है। लेट्स फाइंड आउट में आपको ये पोर्शन दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और यहाँ आंसर्स देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। नाउ यू नो दैट के मुगल रूलर्स ने कैसे उन्होंने मुगल रूलर्स को इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिश सरकार ने और अपनी कंपनीज इंडिया में ला लिया। अब यहाँ पर आपको बंगाल का स्पेशली पूरी ट्रेजेडी और जो कुछ भी हुआ वो सब आप ये डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी बनाकर आया था कि वो पूरे को कॉन्कर्ड करेगा, अपनी ट्रेडिंग पूरी जगह फैलाएगा, तो इसलिए बंगाल एक उनके लिए क्या बन गया, टास्क बन गया। क्योंकि बंगाल के मुर्शिद काली खान ने ये पहले से ही एक ऑटोनॉमस स्टेट में ला दिया था कि हम कभी भी इन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे ना इनकी कोई मांगों को मानेंगे। तो इन लोगों ने पहले ही बंगाल के साथ क्राइसिस चल रहे थे, बंगाल उनकी बात नहीं मान रहा था, तो एक फारूक खुशियार करके हैं जिन्होंने फरमान कर दिया ये कि अब बंगाल में फ्री ट्रेड होगा। तो कंपनी ने इसका पूरा फ़ायदा उठा दिया, कंपनी यहाँ पर आई और अपनी इस पावर का मिसयूज़ करके अपने पूरे प्राइवेट ट्रेडर्स को यहाँ पर जमा दिए, जैसे दस्तक बोलते हैं वैसे इन्होंने यहाँ पर दस्तक दे डाले और टैक्सेस नवाब से बिना टैक्स दिए, जैसे कोई ट्रेड डलता है न्यू किसी भी जगह पर तो उसके राजा को उसको टैक्स देना पड़ता है उस जगह का, तो वहाँ ना कुछ टैक्स दिए ना कुछ, ऐसे ही अपना प्राइवेट ट्रेड वहाँ पर डाल दिया। इससे नवाब को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बंगाल की इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उसके कारण। तो उन्होंने क्या किया, नवाब ने बिल्कुल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी कि ये वाला जो दस्तक वाला जो प्रोग्राम चल रहा है इसको कैंसिल किया जाए, ये मिसयूज़ हो रही है बंगाल की पावर का। तो यहाँ पे फिर एक ऑफिशियल लेटर भेजते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किसको, नवाब को, जो कि एक बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल लेटर था, उसमें बहुत बेकार चीज़ें लिखी थी। वो चाहते थे कि ऑफिशियली नवाब को ह्यूमिलेट कर सके ताकि वो इनको आगे बढ़ने की अनुमति दे दे, बट नवाब इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। उन्होंने हर एक लेटर्स का जवाब उन्होंने बहुत ही कट्टरता से दिया, बिल्कुल उन लोगों की एक भी मांग को नहीं माना और डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अपने बंगाल को आपके हाथ में नहीं सौंप सकते, यहाँ पर हमारा ही रूलिंग चलेगा एंड तक और हम यहाँ पर ट्रेडिंग वेडिंग भी कुछ नहीं चाहते, आप अपने लेकर जा सकते हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग इट्स कॉइन्स, और यहाँ पर उन्होंने अपने कॉइन्स को भी बनाने नहीं दिया, ठीक है। इन लोगों को ये पूरी चाल थी कि पूरी कॉइन्स वाइन्स सब इन लोगों की ले सके, लेकिन यहाँ पर कॉइन्स के साइन वाइन सब बंगाल की ओर से ही चलते थे, कंपनी इसमें अपना हक नहीं जमा पाई। तो ये चीज़ कंपनी को गवारा नहीं रही थी, तो कंपनी ने क्या करा, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी declared that their trade will not proper if duties will imposed on it। सो यहाँ पर एक बैटल जैसा एक माहौल बन गया था, क्योंकि ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कदम बैक पर ले रही थी, ना ही नवाब ऑफ बंगाल जो उस टाइम थे सिराजुद्दौला, ना ही वो अपने कदम पीछे ले रहे थे, ना ही नवाब ये बैंक ब्रिटिश कंपनी अपनी पैर पीछे ले रही थी। सो यहाँ पर एक बैटल जो बैटल ऑफ प्लासी है बहुत फेमस ये हुई। सो यहाँ पर इवेंट्स कैसे लीड हुए, तो इन द ईयर वॉज 1756 सिराजुद्दौला सक्सीडेड द पावर अली वर्दी खान, ठीक है। अली वर्दी खान थे उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल, जो उनके दादाजी थे उनसे उनको बिल्कुल नवाबियत मिल गई सिराजुद्दौला को, और उनको पूरे पावर मिल गई और वो वहाँ के नवाब बन गए। अब ब्रिटिशर्स को क्या था कि ब्रिटिशर्स को था कि सिराजुद्दौला एक उनके हाथ की कठपुतली बन जाए, क्या चाहते थे, पपेट रूलर चाहते थे कि वो रूलिंग तो वो करे बट करे वो जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला ने बिल्कुल एक ही बारी में मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ पर इनके पैर जमने नहीं दूंगा, मैं यहाँ कुछ नहीं करने दूंगा इनकी ट्रेडिंग। सो इनका क्या कहना था कि हम ब्रिटिश सरकार ने बोल सकते रणनीति बनाई कि सिराजुद्दौला को हम चेंज करेंगे, सिराजुद्दौला की जगह हम उस राजा को बैठाएंगे जो हमारी हर कहा माने और हमारे बिल्कुल हमारा पपेट बन के रहे, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हुआ, मीन टाइम फियरिंग अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। सो यहाँ कलकत्ता में एक फ्रेंच कविंग कंपनी आई थी, जो फ्रेंच से कंपनी आई थी जो ट्रेडिंग करना चाहती थी बंगाल में, वो चाहती थी कि यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करे, बट नवाब की परमिशन नहीं थी, नवाब के पास परमिशन लेने गए, नवाब ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, हम अपने किसी भी बाहर के ट्रेडर्स को यहाँ पर नहीं करने देंगे कुछ भी काम।
तो ही ऑर्डर्ड बोथ द ट्रेडिंग कंपनीज पुल डाउन देयर फोर्टिफिकेशन एट कलकत्ता एंड उन्होंने कहा कि आप जाइए कलकत्ता में चंदेर नगर जाइए, वहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग कीजिए बिल्कुल। द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी ओबेड विद द, उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हमें तो बंगाल में ही अपनी कंपनी डालनी है। तो इन्होंने क्या किया, रिवेन्यू पे किया नवाब को और नवाब ने फिर उसको रिफ्यूज़ कर दिया। सो यहाँ पे अब रिवेन्यू दे बोला कि नवाब ने ये बोला कि अब यहाँ पर आपको डालना है ट्रेड तो आपको मुझे कुछ ना कुछ रिवेन्यू देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इससे भी मना कर दिया कि हम एक पंजी भी नहीं देने वाले, हमारा फ्री ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर चलेगी। तो अब नवाब का दिमाग चला, नवाब ने क्या किया, उनकी फैक्ट्रीज़ को अपने हथियाने लगा, कासिम बाज़ार में जो उनकी फैक्ट्रीज थी, ब्लॉकेटेड शिप्स, ब्लॉकेटेड यानी जो टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग। तो उन्होंने आसपास की उनकी जो भी कंपनी थी उसके आगे अपने शोल्डर्स खड़े कर दिए कि हाँ आना जाना मना है करके, ब्लॉक कर दिया उसको। और उनका एक, उन्होंने कलकत्ता से मार्च निकाला जिसको फोर्ट विलियम, एक फोर्ट है वहाँ का, फोर्ट यानी किला, उसको भी घेर लिया। और अब कंपनी तो चुप बैठने वाली थी नहीं, तो कंपनी ने भी तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने क्या किया, मद्रास से जितने भी फोर्स मिलिट्रीज थी फ्रेंच वाली उनको बंगाल बुलाया ताकि उन्हें भी अब समझ में आ गया था कि नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला इतनी आसानी से मानेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इसके साथ एक हल्ला बोल दिया, यानी इसके साथ कमांडर कौन था उस टाइम, कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश का रॉबर्ट क्लिफ, इन्होंने क्या किया जंग जाहिर कर दी। टुगेदर मास्ट कॉन्ट्रोपेसी टू ओवर थ्रू द नवाब, नवाब को हटाने के लिए इन लोगों ने हल्ला बोल दिया। और ये हुई थी बटल ऑफ प्लासे जिस फेमस, जो 23 जून 1757, इस बैटल में सिराजुद्दौला हार गए। हाँ जी, सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला कैसे हार गए, उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी आर्मी वीक थी, उनकी आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी, बट उनके साथ एक बैक एड ये था कि उनके जो कमांडर थे जो मीर जाफर थे उस टाइम, उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लिया इस पार्ट में या फाइट में, वो पीछे हट गए, जिसके कारण उनकी जो कमापुरी जो आर्मी थी वो वीक हो गई और ब्रिटिश ने उन पर विजय पाली और ब्रिटिश जीत गए। अब ब्रिटिश जीते तो उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके बाद क्या हुए, ब्रिटिश ने अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश कर ली, अपनी कंपनी का यहाँ पर जो बहुत सालों से उनका ड्रीम था वो उन्होंने पॉलिटिकल पावर्स पूरी अपने हाथों में ले ली, जितनी भी उनकी चीज़ें थी सब अंडर में कर ली। नवाब को बिल्कुल, अब नवाब तो रहा नहीं, तो अब यही लोग सब कुछ कैप्चर करने लगे थे धीरे धीरे, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सारे राइट्स इंडिया की हो, वो जो चाहते थे वो तो हो गया। अब उन्होंने क्या किया, मैनेजिंग द पपेट रूल, उन्होंने खुद वहाँ आगे नहीं गए क्योंकि आगे जाते तो शायद इंडियन लोग बगावत पे आ जाते कि कोई ब्रिटिश कैसे हमारे पे राज करेगा। तो उन्होंने एक चेहरा दे दिया कि वो इंडियन है, बट वो इंडियन वाला जो बंदा वो बैठा है वो काम उनके लिए करेगा, और वो था मीर जाफर। मीर जाफर पहले से इन लोगों से हाथ मिला चुका था और उसी को इन लोगों ने, जब वो उसने फाइट में हिस्सा नहीं लिया तभी लोग समझ गए कि ये मिल चुका है ब्रिटिश से, और इसने क्या किया, मीर जाफर को ब्रिटिश ने नवाब बना दिया। अब ब्रिटिश मीर जाफर बैठा तो नवाब ही चेयर पे था, लेकिन उसके हाथ में कोई भी पावर्स नहीं थी, वो सिर्फ अपने काम से मतलब जो ब्रिटिश उनको काम देती थी वही करता था। तो उसने राइट दे दिया कि फ्री ट्रेड कर सकते हो आप बंगाल बिहार उड़ीसा में। उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक जितने लोग इस वॉर में मरे हैं शहीद हुए हैं उनको कंपेंसेशन देना चाहिए। तो ये क्लियर मैसेज नॉट टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज इन इट्स, कंपनी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हमें कोई भी पावर नहीं चाहिए, आप बैठो इस चेयर पर, बस हम जो बोलेंगे वो करते जाना है, हमको सिर्फ अपनी ट्रेडिंग बढ़ानी है ना, हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमें कोई पावर्स नहीं चाहिए। सो हाउ डिड द कंपनी हैंडल द सिचुएशन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक मीट। सो अब यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पे मीर जाफर के ऊपर प्रेशर आने लगा, मीर जाफर के ऊपर प्रेशर ये आने लगा कि ये अपने नेटिव्स के साथ अब गलत तो कर रहा था लेकिन इसको प्रॉफिट कुछ नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो वो सोच रहा था कि मुझे प्रॉफिट तो कुछ मिल नहीं रहा है इसमें सारा का प्रॉफिट कौन ले जा रहा है, ब्रिटिश लेके जा रहा है, सिर्फ वो बैठा है वहाँ पर। तो इस सिचुएशन और ब्रिटिश लोग उस पर और दबाव डाले जा रहे थे कि हमको ये वाला भी करो वो वाला भी करो, लेकिन वहाँ के नेटिव्स जो छोटे छोटे रूलर्स थे, जो छोटे छोटे स्थानों के रूलर्स थे, वो लोग इस बात को एग्री नहीं करते थे मीर जाफर के साथ, तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। तो मीर जाफर ने सोचा कि अब मेरे से ये हैंडल नहीं हो रहा है, ब्रिटिश का जो भी कहा है मुझसे नहीं करा जा रहा है, तो उसने क्या किया, अपने सन इन लॉ, है ना, तो सन इन लॉ यानी दामाद को मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब सन इन लॉ ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसने देखा कि क्या क्या क्राइसिस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है बंगाल की,
तो उसे एक बात समझ में आई कि जो ब्रिटिश जो बिजनेस कर रही थी वो एक तरफा बिजनेस था, इसमें प्रॉफिट सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था, वो टैक्स भी नहीं दे रही थी, कुछ पे भी नहीं कर रही थी और सिर्फ कमाई जा रही थी। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने एक अमाउंट रखा टैक्स के लिए, अपने सिक्योरिटीज़ बढ़ाई ताकि उसके लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो। उन्होंने ट्रेन किया, वेल ट्रेन किया, डिसिप्लिन मॉडर्न आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को और ज़्यादा मजबूत किया। उन्होंने ये आप चैप्टर रीड करोगे ना आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। कि इक्वली प्रॉफिटेबल के लिए उन्होंने बोथ ट्रेडर्स एज वेल एज EISC को, विच वॉज ऑलरेडी एक्सटेंड फ्रॉम टैक्सेस, तो उन्होंने ये सब किया ताकि इक्वली प्रॉफिट होना चाहिए। जितना इस चीज़ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हमारी कंपनी को भी प्रॉफिट होना चाहिए। दे नॉट पुट हिम टू पावर टू बी यूज एज द टूल इन एंड, और ब्रिटिश कोई गवारा नहीं आया। ब्रिटिश चुप बैठने वाली थी क्या, सिटिंग क्वाइटली मतलब चुप बैठना, तो ब्रिटिश चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फिर से पावर अपने हाथ में लेने के लिए षड्यंत्र रचा। अब यहाँ पे उनको हराना था मीर कासिम को, तो उन्होंने नेक्स्ट दूसरी बैटल की, बैटल ऑफ बक्सर, जो 22 अक्टूबर 1764 में हुई। और इसको कहाँ भेज दिया मीर कासिम को, बंगाल भेज दिया। फिर से उन्होंने पावर दे दी मीर जाफर को, और मीर जाफर को ये बता दिया, फोर्स किया पावरफुली कि आपको 5 लाख मुझे पे करना है कंपनी को हर बार। तो ये भी अब रिवेन्यू बोलो, टेरिटरीज बोलो, हर किसी पे प्रेशर डालने लगे कि आपको इतना इतना कंपनी को ट्रेड करना है, देना है, ठीक है। अब 1765 में मीर जाफर की डेथ हो जाती है और सारा का सारा रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल किसके हाथ में चला गया, अब जो अब पपेट था वो नहीं रहा, अब डायरेक्ट हाथ है ब्रिटिश के हैंड्स में, ये पावर चली गई। एंड मेड हिम साइन अ ट्रीटी बाय विच, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर के बेटे निज़ामुद्दौला, इनके हाथों में दे दी पूरी सरकार, और इनको बिल्कुल एक डिसबैंड यानी होता है एक डिसॉल्व, एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करा दिया कि पूरी बोल सकते हैं कितने इयर्स तक हम यहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी हमें, तो क्या कि आगे कोई और रूलर भी आए तो उसको ये ट्रेड मानना पड़े और वो कुछ इसमें चेंजेस ना कर पाए, इसलिए उसने एक ट्रेडिंग की साइन करवा दी। तो वहाँ के क्या कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बंगाल थ्रू डेप्यूटी सूबेदार नॉमिनेटेड बाय द कंपनी, उन्होंने एक सूबेदार बना डाला जिससे वो लोग क्या करते थे, दिस मेड द नवाब डिपेंड ऑन द कंपनी फॉर द इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिससे क्या हुआ कि अब वो पूरा नवाब जो है वो जो कौन थे निज़ामुद्दौला पूरी तरह से इन लोगों पे निर्भर हो गए, अपनी सिक्योरिटी पर भी, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरूनी हो, यानी अपने जगह प्लेस के बाहर की कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो या इंटरनल सिक्योरिटी, सब पे वो हो गए डिपेंड हो गए उन लोगों पर। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने एक और कदम क्या बढ़ाया था कि इन्होंने करा कि एक डेप्यूटी सुभलदार बनाया था, सुभलदार कंपनी के जो सुप्रीम कंट्रोल उसके ऊपर, जो सुभलदार बनेगा वो जो भी शख्स उसका उसके ऊपर ब्रिटिश का रहेगा। सुभलदार इज अ एक पर्सन है जो पूरी चीज़ें उगराएगा, जैसे टैक्सेस हो गया बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, मुगल एम्पायर से, शाह आलम सेकेंड से, कितने भी लोगों ने जितने भी अपना बिजनेस फैलाया हुआ था वहाँ सबसे टैक्सेस उगरा कर ब्रिटिश सरकार को देगा। तो इन्होंने एक पोस्ट रख दी सुभलदार करके, तो उसका काम ही ये था। और सुभलदार एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का काम करता था, किस पे, नवाब और कंपनी के बीच में। तो इससे क्या होता था, कंपनी बहुत ज़्यादा एडवांटेज कर पा रही थी, ले पा रही थी, क्यों, क्योंकि देखो एक तो पहले चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ उठानी नहीं पड़ रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुभलदार की हो गई थी कि वो सब कुछ सबसे कैसे निकलवाने, पैसे निकलवा के लाएगा और ब्रिटिश को दे देगा। यानी एक तरह से बोला जाए तो इसमें क्या हो गया था कि नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बस नो एक्सेस टू द रिसोर्सेज, यानी नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है कि वो ये किसी की रक्षा करना, किसी के ध्यान रखना प्रजा का, बट उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, नो एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। और उसी तरफ दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस पैसे ही पैसे आ रहे थे। तो दिवानी ऑफ द 3 rich provinces ऑफ इंडिया अपलिफ्टेड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी कंपनी, ठीक है। तो ये जो दिवानी थी ये बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोसेस से निकली, इससे क्या हुआ कि जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत सही हो गई, जिससे वो और ज़्यादा हाई फोर्स पे चले गए। और कंपनी इंक्योर्ड इन इंडिया लाइक परचेस ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, इतने ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने यहाँ की कंपनी को ही खरीद लिया, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब कंपनीज को खरीद लिया। कंस्ट्रक्ट फोर्ट्स एंड ऑफिस एट कलकत्ता, उन्होंने क्या किया अपने ऑफिस और वो बनाए। और प्रायर टू दिस द कंपनी हैड टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन टू पे फॉर मोस्ट इट्स परचेस्ड इन इंडिया। और इन्होंने अपने पूरे अपने राज्य में
गोल्ड सिल्वर सब बिल्कुल एक नहायत ही बेकार कीमत पे बेचने लगे, और वहाँ पर ब्रिटेन को फ़ायदा हो रहा है और इंडिया को लॉस होते जा रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वाई वर द नवाब ऑफ बंगाल एंग्री विद द ऑफिशियल, तो ये आप तीनों आंसर्स को रीड कर लेंगे, फोर आंसर्स है। ओके, सो मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय ऑफ यू।